नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया था, लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि पहले उनके पास कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी भेज जाए। हम उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी पहले ही भेज चुके थे। उनके कहने के बाद हमने दोबारा फिर सारी जानकारी उन्हें भेजी और उन्हें दूसरी बार 23 मार्च तक का समय दिया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दूसरी बार भी ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार 4 अप्रैल तक का समय आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निर्धारित किया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी डीवीडी कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा को देखकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी को अब भी 19 जून से 24 जून तक का समय देते हैं। इस दौरान वो जब चाहे जनहित में जनता के सामने आकर के अपने विचार रख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलि वसाबी अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामिक तरीके से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह सुभान व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। और इसके बाद है सही हदीथ। इस तकरीर में मैं उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम जानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे जिसका जिक्र है कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, क्योंकि वो आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे। वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने उनको भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में,
वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरन, हमने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, लेकिन अक्सर इंसानियत अब तक नहीं जानती, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5-8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्छा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद, वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्व में उसको निलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का, और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। मलेच्छ का अर्थ इसने कर दिया कि दूसरे देश के आदमी को मलेच्छ कहते हैं भारत वाले। अब पहले तो मलेच्छ बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को, शब्द कोश से दिखाते हैं। ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्द कोश खंड 1 कोषकार एवं प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। ठीक, अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है। मलेच्छ वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो, मलेच्छ, मलेच्छ माने अनार्य नीच, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो, जैसे अनार्य आचार नीच। ठीक, मलेच्छ माने नीच अनार्य, मलेच्छ कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबा थे। वो आएगा मरुस्थल से, मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधुओं अभिजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो अगे हो। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुणात्माओं, ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। पुणात्माओं, डॉक्टर जाकिर नायक जी ने सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर अपनी अज्ञानता से कुछ भ्रांतियां फैलाई हैं, उनके समाधान के लिए सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं। क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक जी ने तो अभी तक सदग्रंथों की केवल जिल्द दिखाई है,
और दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई। पुण्यात्माओं, जितने भी धर्म के प्रवक्ता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, संत गुरु, काजी मुल्ला फादर, आचार्य शंकराचार्य, संत महंत मंडलेश्वर हैं, ये सभी अपने अपने अध्यात्म ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान तो सर्वोच्च ही है। यदि वो सदग्रंथों से मेल खाता है तो वो अध्यात्म ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है तो वो दंत कथा, लोक वेद उस वक्ता के घर का है, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अपने आत्माओं, एक डॉक्टर जाकिर नायक नाम के मुसलमान प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये मान रखा है कि जो कुरान शरीफ है उसका जो अध्यात्म ज्ञान है वो सर्वोच्च है, और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाहु अकबर है, यानी सबसे बड़ा भगवान है। और हजरत मोहम्मद जी उसी कुरान शरीफ के ज्ञान दाता अल्लाह के भेजे हुए मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं। उसने इनके साथ साथ ये भी कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का नबी होने का प्रमाण हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के अंदर भी विद्यमान है। उदाहरण के तौर पर उसने बताया कि भविष्य पुराण में हजरत मोहम्मद जी का वर्णन है, उसकी भविष्यवाणी है कि हजरत मोहम्मद आएंगे और वो ऐसे ऐसे अलग से एक धर्म चलाएंगे, उसकी ये पहचान होगी। तो पुण्यात्माओं, भविष्य पुराण का तो काम ही भविष्य की जानकारी देना होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अच्छी बात है यदि हजरत मोहम्मद जी की जानकारी भविष्य पुराण के अंदर है, और उसके साथ साथ वो बताते हैं कि हजरत मोहम्मद जी की जानकारी यानी उनके विषय में भविष्यवाणी चारों वेदों के अंदर भी है। तो पुण्यात्माओं, यहां दास को ऑब्जेक्शन है कि पवित्र चारों वेद कोई जंतर मंतर की पुस्तक नहीं है या कोई ज्योतिष ग्रंथ नहीं है, और न ही इसके अंदर कोई भविष्यवाणी है। इनके अंदर परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान है। पवित्र वेदों के अंदर हजरत मोहम्मद जी का नामो निशान भी नहीं है। बात रही भविष्य पुराण की, भविष्य पुराण का तो काम ही है भविष्य के बारे में जानकारी देना। डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं कि मुसलमान धर्म सर्वोच्च है, हजरत मोहम्मद जी सर्वश्रेष्ठ पैगंबर और ज्ञान प्रचारक थे, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ धर्म का जो है प्रचार किया। उन्होंने एक मुसलमान नाम का सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाया जो मुसलमान धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी प्रत्येक क्रिया मानवता के लिए एक वरदान है, ऐसा वो कहते हैं। पुण्यात्माओं, यदि हम भविष्य पुराण की माने तो आपको दिखाते हैं कि भविष्य पुराण के अंदर हजरत मोहम्मद जी के विषय में और उनके द्वारा चलाए गए मुसलमान धर्म के विषय में क्या टिप्पणी है,
जिस टिप्पणी को इन मुसलमान धर्म के प्रवक्ताओं ने सही ढंग से समाज के सामने पेश नहीं किया, उसको तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह किया है, बरगलाया है। क्योंकि इन्होंने तो केवल सदग्रंथों की जल्द दिखाई, अब ये दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई, जो आज तक के इन धर्म गुरुओं के समझ में नहीं आई। और आप भी देखना डॉक्टर नायक भाई, हो सकता है आपके ऊपर भी अल्लाह की रजा हो जा, और आप अपना वो वायदा याद रखना कि यदि मुझे कोई गलत सिद्ध कर देगा तो मैं उसका अनुसरण करूंगा, अपना धर्म बदल लूंगा, उसके शरण में आ जाऊंगा। हम धर्म बदलने के लिए नहीं कहते, हम आध्यात्मिक साधनाओं के बदलने के लिए कह रहे हैं, जिससे सर्व मानव का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। और वो साधनाएं इस वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इस दास के पास उपलब्ध है, उनको आप सभी ग्रहण करो पूरा विश्व। और बार बार दास की सीढ़ी देखो, सदग्रंथों से मेल करो, और मान बड़ाई छोड़ के एक अपना कल्याण ही आधार बना के यहां आओ, अपना कल्याण करो। अब आपको दिखाते हैं भविष्य पुराण। भविष्य पुराण से पहले आपको डॉक्टर जाकिर नायक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है, इसमें दिखाते हैं ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। इसके बाद आपको दिखाएंगे उनकी वीडियो, और उसके बाद हम आपको भविष्य पुराण दिखाएंगे। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नायक की, इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नायक, अनुवादक हैं A.M. फहीम जी, यहां से छपी है, और ये इसका पूरा डिटेल है, कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहां से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इतने इतने। इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और इनके फैक्स नंबर भी। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने यहां देखिएगा, बिस्मिल्लाह रहमान निरहिम, डॉक्टर जाकिर नायक पेशे के एक डॉक्टर हैं, ये इन्होंने लिखा है इस्लाम और अन्य धर्मों के संबंध में एक गतिवान और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता खतीब के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अपने मतलब की वस्तु पे। 38 पृष्ठ पे देखिएगा, मोहम्मद सलल की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है। अध्याय भविष्य पुराण में मोहम्मद सलल की पेशीन गोई मौजूद है। प्रति सर्ग पर्व खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 और 8 में भविष्य पुराण के अनुसार एक मलिच विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाला रूहानी उस्ताद
अपने साथियों के साथ आएगा, इसका नाम मोहम्मद होगा। राजा इस महान फरिश्ता सिप्त अरब को गंगा और पंचगोया का गुसल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों से पाप करने के बाद अपनी खालिस श्रद्धा और सम्मान का इजहार करते हुए कहेगा, ए अरब के रहने वाले, तुझ पर जिस तरह मानवता गर्व करती है मैं तेरे आगे सिर नवाता हूँ। आपने शैतान की समाप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिपगी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है। पेशन गोई वजाहत स्पष्टीकरण के साथ यह बयान किया है। इसने आगे बताया कि ये बताया पैगंबर का नाम मोहम्मद होगा और इसको लेकर पढ़ सकते हैं आप। बाकी जो इसने कहा पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के इस वक्तव्य को भविष्य पुराण से मेल करते हैं, जिसमें इसने कहा कि भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व अध्याय 3 खंड 3 और मंत्र नंबर 5 से 8 तक हजरत मोहम्मद जी का जिक्र है। अब देखो, यदि हम इस भविष्य पुराण को सच माने, ये भविष्य पुराण के अंदर एक तरतीब वाइज समय अनुसार वर्णन है, जैसे बाबा आदम से लेकर उससे पहले का भी जिक्र है और आदम की उत्पत्ति, फिर उनके पुत्रों की, फिर उसके बाद अब्राहिम, दाऊद और उसके बाद मूसा जी, फिर ईसा जी, और ईसा जी के बाद हजरत मोहम्मद का नंबर आना चाहिए। इसमें ऐसा ही है। ये है भविष्य पुराण द्वितीय खंड, अनुवादक हैं पंडित बाबू राम उपाध्याय। ये देखिएगा यहां से प्रकाशित है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। अब यहां देखना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 12 सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद से। यहां से शुरू होता भविष्य पुराण द्वितीय खंड मध्यम एवं प्रतिसर्ग पर्व। ये दो पर्व हैं इसमें, मध्यम पर्व और प्रतिसर्ग पर्व। अब यहां देखते हैं, अनुवादक है पंडित बाबूराम उपाध्याय और ये भी आपको दिखा दिया, सन 2006 में ये छपी है दोबारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 12 इतने। ये कहां से प्रिंट हुई है, ये प्रकाशक है प्रभात मिश्र शास्त्री, प्रधानमंत्री हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ऐसे ऐसे ये है। मुद्रक है मनोज अपसेट, फोटो कंपोजिंग है 255 चक 0 रोड इलाहाबाद। ये सारा कुछ ठीक। इसके प्रश्न नंबर 258 पे और 59 पे इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रतिसर्ग पर्व है और यहाँ नीचे से ये तृतीय अध्याय, यहाँ तो इस संस्कृत है और यहाँ से चला है ये नीचे का अध्याय 3, द्वापर के राजाओं का वर्णन है इसमें। अब इसमें कलयुग तो शुरू भी नहीं हुआ, कलयुग वालों का है। फिर यहाँ आ जाते हैं हम 259 पर, ये 259 है और तृतीय अध्याय चल ही रहा है। तो यहाँ इसने मलेच्छ वंश इसे लिया है, श्लोक नंबर 5 से 8। अभी आपने देखा था इसकी पुस्तक में, ये स्पष्ट है 5 से 8। ये देखो इसकी यह पुस्तक जो भी दिखाई थी आपको, इसके अध्याय 38 पे इन्होंने कहा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है और रेफरेंस हवाला क्या दिया है कि भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगुनाई मौजूद है। भविष्य पुराण की प्रति सर्ग पर्व खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5-8 ठीक। ये है अध्याय 3 प्रति सर्ग पर्व और तृतीय अध्याय और ये 5 से 8 में। अब यहां मलेच्छ शब्द है,
मलेच्छ वन से, इन्होंने इस मलेच्छ से ले लिया के एक मलेच्छ का अर्थ इसने कर दिया कि दूसरे देश के आदमी को मलेच्छ कहते हैं भारत वाले। अब पहले तो मलेच्छ बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को, शब्द कोश से दिखाते हैं। ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्द कोश खंड एक कोषकार एवं प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। ठीक, अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है। मलेच्छ वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो, मलेच्छ, मलेच्छ माने अनार्य नीच, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो, जैसे अनार्य आचार नीच। ठीक, मलेच्छ माने नीच अनार्य। उन आत्माओं, इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने घर का कुछ नहीं ले रखा, एक पुस्तक हाथ लागी इसके, और किसी सिर फेरे ने वो पहले प्रकाशित कर रखी है ऐसे ही ऊट पटांग रेफरेंस दे करके, उनको जो का तो रट रखा इसने, ना कोई सदग्रंथ देखा। अब देखिएगा एक पुस्तक है अंतिम संदेष्टा, ये किसी मुसलमान की लिखी हुई अंतिम संदेष्टा, कब कहां और कौन, ये सारा कुछ ही निकाल लिखा, ये सर्वाधिकार सुरक्षित है, ये सारा कुछ देख लिया। लेखक है मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी, आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, कंपोजिंग है मोहम्मद अमीनुल हक नदवी, और ये देखिएगा प्रकाशक ये है ए एम फहीम अल हसनात बुक प्राइवेट लिमिटेड, ये वही अदरियागंज नई दिल्ली से। ठीक, मुद्रक ये है एच एस ऑफसेट प्रेस दरियागंज नई दिल्ली। इसने जो भी रेफरेंस लिए हैं इससे ले रखे, हम इसको और साथ ही लपेटेंगे भी। ये देखिएगा ये 56 पृष्ठ पे, यहां से हम आते हैं भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के आने से पूर्व की दशा। भविष्य पुराण में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा, मरुस्थल में उत्पन्न होंगे। अब ये रेफरेंस उसने जो के तो ले रखे हैं, ये देखिएगा वेदों में भी इसने लिखा है, प्रश्न नंबर 58 पे इस पुस्तक के अंदर अंकित है कि वेदों में शब्द अहमद और मोहम्मद मौजूद है। ये देखो वेद अहमेत पुरुष महामंत आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्ताव अनाय, यजुर्वेद अध्याय 31 के मंत्र 18 का रेफरेंस दिया है कि उसमें वेद अहमद महानतम पुरुष हैं। वो तो फिर दिखाऊंगा बाद में, इसकी भी हिंदी बाद में करूंगा, पहले प्रसंग तो चल रहा है। इसने डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये अनुवाद गोट रखे इससे, ये देखो 31 के 18 में इसने क्या किया है कि ऋग्वेद में, यहां देखो इस प्रकार अहमद का इतना महत्व है कि ऋग्वेद मंत्र 8 सूक्त 6 और 10 अथर्वेद कांड 20 सूक्त 115 मंत्र 1 में सामवेद 152 1500 मंत्र में अहम इद शब्द का प्रयोग है। अब संस्कृत केवल हजरत मोहम्मद पर ही घटित होता है, ये क्या कहता है अहम, इसका अर्थ बनता है वैसे अहम इत, दय को तय बोला जाता संस्कृत में, छंद निषेध करेंगे तो इन्होंने उठ पटांग रखे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अनेक नामों में से मोहम्मद हूँ अहमद हूँ, बुखारी इसमें। फिर भागवत पुराण के 2 के 72 में भी लिखा है, और देखिए यहाँ से ले रखे हैं प्रश्न नंबर 59 पे, ये देखिएगा ये कहता है जो विस्तार पूर्वक है भविष्य पुराण भाग 3 खंड 3
अध्याय 3 और श्लोक 5-8 में दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नायक ने यहाँ से नोट कर लिखिया, ना तो मेरे ख्याल में लगा लेखक ने पुस्तक उठा के देखी, हरीश ने तो उठानी है नहीं थी क्योंकि इसने तो यहाँ से रट रखा है। अब देखिएगा, इसी पुस्तक के अंतिम संदेष्टा नामक पुस्तक है, इसको ही पढ़ रहे हैं हम। इसने यहां से शुरू किया है कि भविष्य पुराण में पृष्ठ नंबर हम 56 से शुरू करते हैं। भविष्य पुराण प्रति सर्ग परो वर्तिम खंड, ये वर्तिम खंड का तृतीय अध्याय है, ये तृतीय यहां से शुरू करता है। ये संस्कृत शब्द है। अब हम यहां पहुंचेंगे, ये कहां पर है भविष्य पुराण में आपको दिखाएंगे। एतिम अस्मिन अंतरे मलेच आचार्य रामंत महम्मद इति विख्यात, ये महम्मद सही नाम है मोहम्मद, और शिष्य शाखा संवंत नरपच महादेवम, इसकी हिंदी इस पर पहुंचते हैं हम, ये कहाँ ले रखे आपको फिर पता लगेगा। अब ये क्या बताते हैं, इसने कहाँ से संस्कृत का हवाला दिया है, अंतिम संदेष्टा नामक ये जो पुस्तक है इसके ऊपर सारा दार उदार देखना। ये अंतिम संदेष्टा नामक जो पुस्तक आपको दिखा रहे हैं इसके प्रश्न नंबर हम देखते हैं 56 पे। इसने क्या कहा, भविष्य पुराण प्रति सर्ग पूर्व युवर्ती खंड को 3, इसका जो भी है हम यहां से पकड़ेंगे इसको। ये संस्कृत श्लोक है, ये देखिएगा ठीक है। अब ये कहाँ है भविष्य पुराण में, ये देखिएगा, ये हमने भविष्य पुराण उठा लिया, ये भविष्य पुराण उठा लिया और इसके अब तृतीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं, तृतीय अध्याय। अब जो हमने श्लोक देखे थे संस्कृत के वो यहां से शुरू होते हैं, अध्याय नंबर 5 से और 8 तक, इसके 5 से 8 तक। अब देखो ये है, इसमें क्या लिखा है, यहां से लेना लिया है, यहां से शुरू होता है मलेच्छ आचार्य, यहां से इन्होंने ये अंतिम संदेष्टा के अभी आपको दिखाया था इसके प्रश्न नंबर 56 पे यहां से लिया है इन्होंने, यहां से ये शुरुआत की। इसमें ये भविष्य पुराण में, अब हम यहां आगे भविष्य पुराण के प्रश्न नंबर 385 पे और अध्याय 3, ये भविष्य पुराण प्रति सर्ग प्रो, अब यहां से शुरू किया इसने, और इसने क्या अनुवाद किया है इसके विषय में, ये अंतिम संदेष्टा ने क्या, इसने कैसा अनुवाद किया है 56 पृष्ठ पे इसका, ये किया है, उसी बीच अपने शिष्यों के साथ मोहम्मद नामी पवित्र मलेच्छ यानी गैर मुल्की या गैर आर्य अनार्य मलेच्छ का अर्थ कर दिया उन्होंने, गैर मुल्की अनार्य माने नीच, आपको दिखाई दिया, फिर दिखाऊं एक बार, गैर आर्य का अर्थ होता है अनार्य का अर्थ होता है नीच, जो अच्छा आदमी ना हो। ये देखिएगा शब्द कोश फिर दिखा देता हूं एक बार, ये देखिएगा अनार्य, ये अनार्य या अनार्य माने, ये अच्छी तरह देख लो पूरा, अनार्य माने वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो, मलेच्छ अनार्य माने मलेच्छ, गैर आर्य को अनार्य को मलेच्छ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य ना हो नीच, अनार्य आचार, ठीक है, अनार्य माने मलेच्छ कहो नीच कहो। अब ये फिर हमने शब्द कोश रख दिया अंतिम संदेष्टा, और इसके लेखक हैं मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी,
आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस कंपोजिटर ये सारे इसके ये देख लिए यहाँ से। अब इसके फिर आते हैं, अब इसने इस 56 पृष्ठ पे क्या अर्थ किया है इस भविष्य पुराण के संस्कृत के श्लोकों का, 56 पृष्ठ पे ये क्या करता है, इसका अर्थ है तस्मीन उसी बीच अपने शिष्यों के साथ महामद मोहम्मद नामी पवित्र, इसमें महामद है, महामद इसको मोहम्मद कोई बात नहीं हम इसको मान लेंगे, मलेच यानी नीच जो आदमी अच्छा ना हो वहां आ गया, राजा भोज मरुस्थल रेगिस्तान निवासी महादेव के दरबार में तमाम गुनाहों के धोने से पवित्र होकर गंगा स्नान करके अपने आप को सुपर्द करके यूं अनुरोध करेगा, ए रेगिस्तान के निवासी शैतान को पराजित करने वाले चमत्कारों के मालिक बुराइयों से पाक। 57 पृष्ठ पे पाक व साफ सत्वादी सचेत साक्षात ईश प्रेम में डूबे हुए तुम्हें प्रणाम या सलाम हो, तुम मुझे अपनी शरण में आया हुआ दास समझो। ठीक है, फिर आगे इन्होंने ये लिया। अब राजा भोज के पास रखी हुई पत्थर की मूर्ति के लिए महामद मोहम्मद कहेंगे कि वह मेरा जूठा खा सकती है जिसे तुम पूजते हो, यह कहकर राजा भोज को ऐसा ही चमत्कार दिखलाएगा। यह सुनकर और देखकर राजा भोज को बड़ा आश्चर्य होगा और उस मलेच्छ धर्म में नीच धर्म में उसकी आस्था हो जाएगी। अनुवादित है इसके, ये अनुवाद कहते इसने किया है इनका। फिर ये यहां से शुरू होता है, ये 23 से लेकर 27 तक ये आपको दिखाएंगे, पहले इनका पढ़ लेते। ये क्या बताया है उन्होंने, रात्रि में कोई देवदूत पैसाच देह धारण करके राजा भोज से बोला कि हे राजन, यद्यपि तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है, फिर भी उसी धर्म को पैसाच धर्म नाम से ईश्वर की आज्ञा से स्थापित करूंगा। खतना किया हुआ चोटी से हीन दाढ़ी रखने वाला ऊंची बात कहने वाला अर्थात अजान कहने वाला मेरा खास आदमी होगा, शुद्ध पशुओं का आहार करने वाला और कुसों के जैसे संस्कार होता है वैसा उसका मुसल से संस्कार होगा, उसी से मुसलमान जाति दूसरी धर्मों पर दोष लगाएंगे, ऐसा मेरे द्वारा किया गया पैसाच धर्म होगा। यह कहकर देवता चला गया और राजा बोध घर लौट गया। इस पुस्तक के अनुवादकर्ता ने यानी लेखक ने कैसा कहा है कि राजा भोज उस मोहम्मद नाम के व्यक्ति को एक दुष्टों का नाश करने वाला पवित्र और ऐसे ऐसे वो चलाएगा धर्म उसका, उसको कहा कि उसके विषय में राजा भोज ने भी स्वीकार की उसकी पवित्रता को। अब डॉक्टर जाकिर नायक जी क्या कहते हैं इस मांग, इस्लाम और हिंदू धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। डॉक्टर जाकिर नायक ये यहां से ये सारा वही है और ये सारा वही है, ये देखिएगा ठीक। अब हम इसके 38 पृष्ठ से सारा पढ़ेंगे जब समझ में होगा। मोहम्मद सल्लल्लाह की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है, भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाह की पेशनाई प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 श्लोक 5-8 में भविष्य पुराण के ठीक। एक मलेच्छ यानी इसकी इसने मलेच्छकार के लिखा है विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाले को मलेच्छ का नहीं, मलेच्छकार था नीच रूहानी उस्ताद आचार्य को, अपने साथियों के साथ आएगा, इसका नाम मोहम्मद होगा, राजा इस महान फरिश्ता सिपत अरब की गंगा और पंच गोया का गुसल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों को पाक करने के बाद अपनी खालिस श्रद्धा और सम्मानता का इजहार करते हुए कहेगा, ए अरब के रहने वाले तुझ पर जिस पर मानवता गर्व करती है मैं तेरे आगे
शीस नवाता हूँ, आपने शैतान की प्राप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिद्वंदी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है। पेशी नगोई में वजाहत स्पष्टीकरण के साथ बयान है कि पैगंबर का नाम मोहम्मद होगा, यानी भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है। जाकिर नायक जी कह रहे इसका संबंध अरब से होगा। संस्कृत शब्द मरुस्थल का अर्थ रेतीली जमीन या बंजर होता है। पैगंबर के साथियों यानी साहबा का खास बयान है कि किसी पैगंबर के पास इतने साहबा नहीं थे जितने मोहम्मद सल्लल के पास थे। ठीक है, इन्हें पर्वत नाथ यानी फकरे इंसानियत जिस पर मानवता गर्व करे कहा गया है। अब देखो डॉक्टर जाकिर नायक जी कैसी त्रोड़ मरोड़ के बातें कर रहे हैं। पर्वत राज का अर्थ है आगे दिखाएंगे आपको भविष्य पुराण में। और ये पर्वत राज का अर्थ क्या कर रहे हैं देख, इसके 38 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। इन्हें पर्वतनाथ यानी पंखरे इंसानियत जिसका अर्थ है जिस पर मानवता गर्व करती है करे कहा गया है। कुरान की मैसूर है 68 आयत 4 में इस बयान की पुष्टि करता है। फिर वह शैतान को खत्म कर देगा यानी बुत प्रस्ती और तमाम प्रकार की खुदाई प्रतिनिधि का विनाश करेगा। वह पैगंबर अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहेगा। कुछ लोग यह कहते हैं कि पेशिन गोई में कहा हुआ राजा भोज 11वीं सदी में और मोहम्मद सलल के आने से 500 साल बाद का इंसान था, और यह है कि वह राजा साली वहन की 10वीं नस्ल की औलाद से था। इनको तो यह बात समझ में नहीं आई कि भोज सिर्फ एक राजा नहीं था। जिस तरह मिस्र के बादशाहों में फिरौन और रूमी सेनसाओं में कैसर के नाम से जाना जाता था, इसी तरह हिंदुस्तानी राजा भोज के लकब पदवी के याद किए जाते थे। 11वीं सदी ईस्वी के राजा भोज से पहले अनेक राजा मौजूद थे। पैगंबर ने जिस्मानी तौर पर पंचगोया या गंगा के पानी से स्नान नहीं किया था। गंगा का पानी पवित्र समझा जाता है, इसी के पानी से स्नान करना तमाम गुनाहों से खुदा को पाक व साफ करने का लक्षण है। पेशिन गोई का अर्थ है कि मोहम्मद सलल मासूम थे यानी किसी किस्म के गुनाह आदुल कलंकित नहीं थे। मोहम्मद सल्ला पेश गोई भविष्य पुराण में मौजूद है। पुराण के अनुसार महर्षि व्यास ने एक पेशिन गोई की है यानी भविष्यवाणी। मलिच ने अरब की प्रसिद्ध जमीन को बर्बाद कर दिया है। इस मुल्क में आर्य धर्म नहीं पाया जाता। अब देखो मलिच ने यानी नीच व्यक्ति ने इससे पहले भी एक दुराचारी शैतान आया था जिसे मैंने खत्म कर डाला। इसे फिर किसी ताकतवर दुश्मन ने भेजा है। इन दुश्मनों को सीधा रास्ता दिखाने और इनकी 40 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं मार्गदर्शन करने के लिए मोहम्मद जिसे मैंने ब्रह्मा के लकब से नवाजा है पिशाच को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश में प्रसिद्ध है। अब देखो इसने कितना अड़ंगा करा है, पिशाच को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश में है। मोहम्मद जी ए राजा तुम्हें बेवकूफ पिशाच की भूमि पर जाने की जरूरत नहीं, तुम जहाँ भी रहोगे मेरी रहम दिली तुम्हें पवित्र बनाए रखेगी। एक रात वह फरिश्ता सिप्त बुद्धिमान पिशाच के लिबास में आया और राजा भोज से कहा कि राजा तुम्हारे आर्य धर्म को तमाम धर्म पर विजय पाने के लिए बनाया गया है, लेकिन ईश्वर परमात्मा के अनुसार मैं मांस खाने वाले के पुख्ता पक्के अकीदों को लागू करूंगा। मेरे मानने वाले खतना कराएंगे, अपने सर पर बालों की चोटी नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी रखेंगे, अजान के द्वारा एक इनकलाब पैदा करेंगे, अजान माने बंग, और तमाम जायज चीजें खाएंगे। वह
खिंजीर के अलावा तमाम जानवर खाएंगे। वह खुद को पाक करने के लिए छोटी छोटी झाड़ियां तलाश नहीं करेंगे, बल्कि जिहाद से उन्हें पवित्रता मिलेगी। गैर धार्मिक जातियों से जंग करते हुए उन्हें मुसलमान के नाम से पहचाना जाएगा। गोश्त खाने वाली कौम के इस धर्म में संस्थापक मैं हूँगा। अब हम हिंदुज्म और इस्लाम में इन ग्रंथों के अनुसार आखिरत और भाग्य के तौसर को के बीच पाई जाने वाली मानवताओं का अध्ययन करेंगे, जांच करेंगे और प्रकट करेंगे। अब डॉक्टर जाकिर नायक जी जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, सुनिए उनकी क्लिप के माध्यम से। और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5-8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्छा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको निलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का, और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। मलेच्छकार इसने कर दिया कि दूसरे देश का आदमी को मलेच्छ कहते हैं भारत वाले। अब पहले तो मलेच्छ बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को, शब्द को उससे दिखाते हैं। ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्दकोश खंड 1 कोषकार एवं प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। ठीक, अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है। मलेच्छ वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो। मलेच्छ, मलेच्छ माने अनार्य नीच, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो, जैसे अनार्य आचार नीच। ठीक, मलेच्छ माने नीच अनार्य। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10-27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेच्छा अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेच्छा के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरिफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन, मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा, वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा, वो गोश खाएगा लेकिन सुअर का गोश, खिंजीर नहीं खाएगा, वो इनकलाब बर्पा करेगा,
वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा, उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा, उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है, वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बरपा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा जिसे कहते आदान, वो इनकलाब बरपा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर सुअर का गोश्त नहीं खाएगा, वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा, उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी है, वक्त नहीं के सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी। अभी आपने सुना डॉक्टर जाकिर नायक जी के वचन, अब सुनना यथार्थता क्या है। डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे, अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुणात्माओं, डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। अब इन्होंने क्या कहना चाहा है, अब देखो कमाल कर दिया। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा तुम रेफरेंस क्या लेने जा रहे हो, हजरत मोहम्मद की बेइज्जती कराना चाहते हो या इसकी कोई इज्जत रखना चाहते हो। इन्होंने जिन जिन मंत्रों का हवाला दिया है अब भविष्य पुराण से उसको स्पष्ट करते हैं। देखिएगा, ये है भविष्य पुराण, ये हम पढ़ रहे हैं द्वितीय खंड में, 2 पर्व हैं यहां से, और ये भविष्य पुराण हमने उठाई, इससे क्लियर हो जाएगा, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जो दास आज करना चाहता है। ये यहां से छपी है। अब इन मुसलमान भाइयों ने तो ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हजरत मोहम्मद जी के बारे में भविष्य पुराण में भी वर्णन है कि वो वहां आएगा और एक बहुत अच्छे धर्म की स्थापना करेगा, यानी क्योंकि ये मुसलमान धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानते हैं, जो कहते इससे अच्छा कोई धर्म ही नहीं है, और भविष्य पुराण का इन्होंने रेफरेंस लिया है। तो हम यदि भविष्य पुराण की माने तो भविष्य पुराण में क्या लिखा है, मलेच्छ का अर्थ तो सीधा कर दिया, नीच, जो व्यक्ति श्रेष्ठ ना हो। अब देखो यहां देखिएगा, यह है अर्थ तृतीय अध्याय, ये कलयुग का प्रकरण चल पड़ा है, कलयुग के अंदर तीसरा अध्याय है ये। देख तीसरे अध्याय का इन्होंने वैसे यहां से शुरू किया है, ये 5 से यहां से लेते हैं, अब यहां से शुरू किया था, यहां पढ़ेंगे हम, यहां तक कि 10वें राजा भोज के समय मर्यादा इस बोतल पर नाम मात्र रह गई थी, उस बलि राजा ने मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट देख कर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, जिसमें 10 सेंसर सेना के साथ कालिदास भी थे, 10,000 सेना थी, अन्य ब्राह्मणों को भी साथ रखकर वह राजा सर्वप्रथम सिंधु नदी के पार पहुंचकर गांधार प्रदेश के मलेच्छों यानी नीचों और कश्मीर के नारव दुष्टों पर विजय प्राप्ति पूर्वक उनके कोष खजानों को दंड रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ा। उसी समय मोहम्मद नामक मलेच्छों यानी नीचों का आचार्य गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित शिव की पूजा पंच गत्तम समेत गंगाजल एवं
चंदन आदि से संपन्न करके उसकी स्तुति करने लगे। अब देखो, अब भविष्य पुराण तो कह रहा है कि राजा भोज उस मरुस्थल के अंदर सतीत एक शिव मंदिर था, महादेव का मंदिर, उसमें महादेव की स्तुति करने लगे नहा धोकर अच्छी तरह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी संबंध में इसी भविष्य पुराण का रेफरेंस देकर कहा है कि राजा भोज मोहम्मद की पूजा कर रहा था नहा धोके। वाह रे वाह, ये देखिएगा हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ से इनकी संस्कृत आपको दिखाई थी, ये यहाँ से शुरू किया था यहाँ तक था। ये देखो, नरपश्च महादेवम, ये महादेव हैं, इस महादेव के विषय में बात की, पंचगण गमन तो गंगा जल च, ये है हिंदी महादेव। अरे वो कह रहा था मोहम्मद के बारे में, कहा बोला मोहम्मद की पूजा करी। यहाँ लिखा है उसी समय मोहम्मद मोहम्मद नाम का एक मलेच्छों का आचार्य यानी गुरु, मुसलमानों का गुरु, अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सचित शिव की पूजा पंचगव्य समेत गंगा जल एवं चंदन आदि से सुसंपन्न करके उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन हो गया मोहम्मद की स्तुति कर, ये तो शिव की उस मंदिर में राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सचित शिव जी की पूजा करने लगा। अब देखो, राजा भोज बोले मरुभूमि के निवासी गिरिराजपति, ये तो महादेव जी के बारे में स्तुति करा, गिरिराजपति उसने पर्वतराज लिख दिया। मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है, जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया है, मलेच्छों द्वारा रक्षित शुद्ध एवं सचिदानंद रूप हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। वह मरुस्थल में उन अन्य मलेच्छ यानी निकम्मे जो व्यक्ति थे उनके द्वारा सुरक्षित था वो महादेव का मंदिर, उनको तो मार खदेड़ दिया, उनको तो राज पर कब्जा कर लिया राजा भोज ने। अब उस मंदिर में जाकर नहा धोकर स्वच्छ करके फिर वहाँ स्तुति कर रहा महादेव की। डॉक्टर जाकिर नायक जी कह रहे हैं कि वह स्तुति कर रहा था मोहम्मद की नहा धोकर मरुस्थल में, उसको कहते हैं उस गंगा जैसा पवित्र था, नानकी नहीं कही वैसे कह रखा जैसा उसने अटपट मार रखी। आगे देखो क्या लिखा भविष्य पुराण की, अगर सच्ची माने तो यहाँ देखिएगा, ये तो हमने पढ़ दिया यहाँ तक तो। राजा भोज मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है, ये तो उस महादेव जी को करे मंदिर में, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। और ये कह रहे हैं कि राजा भोज ने भी हजरत मोहम्मद जी की शरण दी। अरे बलाओ थारा, कम से कम साची तो बोल दो। इस डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तो कसम खा रखी है, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। अब देखिएगा आगे भविष्य पुराण में चल रहे हैं हम, 386 हमने 385 पढ़ लिया, 385 पृष्ठ अभी आपको दिखाया है, और प्रति सर्ग परो अध्याय 3 और खंड 3 जो आपने यहाँ तक पढ़ लिया, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ, क्योंकि ये तो महादेव के बारे में कहा है। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सतीत शिवजी की पूजा इस तरह सारा कुछ करके संपन्न करके अपनी स्तुति करने लगा। क्या कहा राजा भोज बोले मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है, उस महादेव की मूर्ति का आगे कह रहा था, जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया, मलेच्छों द्वारा रक्षित एवं सचिदानंद रूप है, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी शरण में उपस्थित हूँ। राजा भोज तो कह रहे हैं भगवान शिव को, महादेव को, और ये कह रहे मोहम्मद को नमस्कार करके उसकी शरण में आ गया। ये देखो अब 386 पर आ गए हम, वही प्रति सर्ग पर, अब हम 386 पृष्ठ पर आ गए हैं भविष्य पुराण में प्रति सर्ग पर, और यहाँ देखो ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं, इति श्रुत्वा यहाँ पढ़ लेते हैं। सूत जी बोले इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा भोजराज आप महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है, उस भीषण वाहिक प्रांत में
आर्य धर्म नहीं है, वहां बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है, जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है, महा मोहम्मद उसका नाम है। भगवान शिव बोले बौद्ध राधा से कि इस स्तुति को सुनकर शिव ने बौद्ध राधा से कहा कि बौद्ध राज आप महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाएं, वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है, नीचों द्वारा। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है, वहां बलि दैत्य को प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है, जिस मायावी को मैंने भस्म कर दिया था वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है, राक्षस दैत्य माने राक्षस वंश का वर्धक है, और उसका मोहम्मद उसका नाम है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अतः योनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है, ये उन पिशाचों में इन मलेच्छों में श्रेष्ठ है, और दैत्य वंश का राक्षस वंश का वर्धक है, और मोहम्मद उसका नाम है महामद, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है। अतः राजन तुम इस धुरत एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए। अपने शिष्यों समेत मोहम्मद यानी मोहम्मद भी सिंधु नदी के तट पर आया। उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज आपके देव मेरे दास हैं, नरप देखिए मेरा उत्तिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ, और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म का अनुयायी होने की सोचने लगा। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर मोहम्मद से कहा कि धुरत, राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है, अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं वाहिक के अधमा अधम का मैं वध कर दूंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण निवारण मंत्र का 10 संस्कार जाप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। उसी में वह भस्म होकर मलेच्छों का देवता हो गया। तत्पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहिक देश चले गए। रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच के रूप से भोज से कहने लगा, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है, मैं तो ईसा की आज्ञा से दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूं। लिंग कटाना सिखा चोटी हीन होकर केवल दाढ़ी रखना, मेरी बड़ी बड़ी बातें करना, और सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे। कौल तंत्र के बिना वे पशुओं के भक्षण करेंगे, और कुछ स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे। इसलिए यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। धर्म दूषक माने धर्म का नाश करने वाली, यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। इस प्रकार पैसा धर्म मैं विस्तृत करूंगा। इतना कहकर वह चला गया और राजा भी अपने घर लौट गए। अपने आत्माओं, यदि भविष्य पुराण को ही मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक जी सत मानते हैं, तो आपके सामने ये भविष्य पुराण भी रूबरू कर दी। इब आप निर्णय ले लेना है ये क्या कहना चाह रहे थे हजरत मोहम्मद के विषय में, और भविष्य पुराण क्या बता रही है उसके विषय में, वो कैसे धर्म को चलाएगा, उसमें क्या क्या क्रिया होंगी, ये आपने पढ़ ली। अब इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी दास नहीं करेगा। अब आपके सामने भक्त जितेंद्र सिंह, जितेंद्र दास आलूवालिया पूना महाराष्ट्र से, परमात्मा से प्राप्त सुख को अपने मुख कमल से बयान करेंगे और आप सुनिएगा। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह आलूवालिया है। कहाँ से आए सर आप?
मैं पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र से। क्या काम करते हैं आप? मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, फैक्ट्री है मेरी पुणे में। हम लोग जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले कौन सी भक्ति करते थे आप? हमारे घर में शुरू से ही संतों का आना जाना काफ़ी था, तो मैं एक सिख होने के नाते गुरुद्वारे भी जाता था, लेकिन एक संत जी की भी शरण में मैं हमेशा बचपन से रहा हूँ, जो कि शिव जी की भक्ति करवाते थे। मुझे उन्होंने ओम नमो शिवाय नाम दिया हुआ था, और अब मान के चलिए कि ये जो जीवन है, जब हमने ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुआ, तो उसके बाद ये पता चला कि जो जीवन है वो एक सुख और दुख में चलता है। जब हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो काफ़ी सुख मिलते हैं, और जैसे ही हमारे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं तो दुख की शुरुआत हो जाती है। तो जिन संतों से मैंने वो नाम लिया था, वो नाम की क्या ताकत थी, वो आज मुझे इस ज्ञान से पता चला है उसकी कोई ताकत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज़ का मेरा नियम ये था कि मैं जब घर से निकलता था गुरुद्वारे जाता था, मत्था टेकता था। वहाँ से मेरी फैक्ट्री करीब करीब 1 घंटे दूर थी। आधे घंटे का सफ़र मैं सतनाम वाहेगुरु का जाप करता था, और आधे घंटे उसके बाद में मैं ओम नमो शिवाय का जाप करता था। और जब मैं फैक्ट्री पहुंचता था उसके बाद देखता था कि दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा हर रोज़ मेरा नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आ गया कि मैं टोटल ही स्क्वायर में फंस गया। ऐसा फंसा कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी। वो फंसना ऐसा था कि मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, सभी कुछ बैंक के ताबे में हो चुकी थी। लोगों का, क्रेडिटर्स का बहुत सारा देना सिर पे कर्ज बन गया। ऐसी हालत हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि ना तो मैं घर में रह पा रहा था और ना मैं फैक्ट्री जा पा रहा था। ऐसी दुविधा में फंसा तो मैं क्या बताऊं कि मतलब वो दुख, वो समय मैं मतलब बयान नहीं कर सकता कि क्या दुख था। वो बोलते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। इतना भयंकर वो समय था, जिसके कारण सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ वो आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, शरीर पूरा खराब हो रहा था। घर वालों को कईयों ने बताया कि इसके ऊपर कई बाहर की चीज़ें भी कर रखी हैं, जिसके कारण ये शायद पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। कई संतों ने भी बताया, क्योंकि हमारे घर में संतों का काफ़ी आना जाना रहता था, कईयों ने ये भी बताया कि ये वाकई में ये मेंटल हो जाएगा, ये नहीं रह पाएगा। तो इसके चलते मैंने एक दिन फिर उन संतों के पास गया, और उन संतों से जाके मैंने काफ़ी चर्चा की। आखिरी में उन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तो ये दुख सुख तो चलते हैं, ये तो भुगतने पड़ते हैं। मैं बड़ा तड़फा, मैं आया और अपनी मदर के भाव में लपेट के मैं रोया, बहुत रोया। मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या है ये, क्या ब्रह्मांड है और क्या स्थिति है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरे जैसा आदमी, जो मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी मैंने किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की, और मेरे जैसे आदमी के साथ अगर ऐसा दुख हो है तो इस ब्रह्मांड या जाओ जो भी बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या स्थिति है ये। और वो पुकार जो मेरे हृदय से निकली, जो मेरी आत्मा से निकली, इस परमात्मा ने सुन ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसा आया कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं पुणे में ही,
मैं गाड़ियां बनाता हूं और वो गाड़ियां चलाते हैं जो हम कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए मैंने 2002 में मैं सदगुरु के शरण में आया था, तो 2002 में मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ गाड़ियां बनवानी हैं, तो मैं उस ऑर्डर के लिए मैं उनके ऑफिस में गया था। उनका नाम रविंदर जी, रविंदर दास हैं, तो वो मैं उनके ऑफिस में जाके बाहर बैठा हुआ था, इतने में फिर मुझे उन्होंने अंदर बुलाया तो मुझे उन्होंने देखा। मैं करीब करीब 3 साल के बाद उनको मिला था, उसके पहले 3 साल पहले उन्होंने गाड़ियाँ बनवाई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जितेंद्र जी क्या हो गया, आपका चेहरा एकदम मतलब आपका पूरा ही रूप रूप बदली हुआ है, क्या हो गया आपको ये। मैंने मतलब वहाँ पे मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूरी अपनी स्थिति बताई कि मैं किस तरह से फंस चुका हूँ और मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है। आज मैं करीब मैं दोपहर के 2-2:30 बजे गया था, उन्होंने मुझे पूरा इस परमात्म ज्ञान का पूरा उन्होंने चीज़ समझाई हमको। वहाँ बैठे बैठे रात के 10:30-11 बज गए और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ कोई चीज़ है, ये जो ज्ञान बता रहे हैं इसमें कुछ मतलब अंदर से आत्मा ने पूरी उस चीज़ को पकड़ लिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बात बन जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, ना कोई मंदिर छोड़ा, ना कोई मस्जिद छोड़ा, ना कोई संत छोड़ा। हर एक के पास जा के मुझे फैमिली वाले भी ले जाते थे, क्योंकि मेरी तो मेंटली स्थिति इतनी ख़राब थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ, तो मुझे हर जगह ले जाते थे। तो जब मुझे ये ज्ञान पता चला तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे दुख ही में काफ़ी था, मैं तो अपना दुख ही निवारण करने की कोशिश कर रहा था, ज्ञान को एक साइड में समझ रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा ये था कि मेरा दुख निवारण हो जाएगा इससे। मैंने उनसे कहा मुझे पूरा एड्रेस दीजिए सब। मैंने अगले दिन की टिकट की कोशिश की, वो नहीं मिली, उसके अगले दिन की मिली। मैं करोथा आश्रम पहुंच गया। करोथा आश्रम पहुंचने के बाद मैं जो मुझे सदगुरु के दर्शन हुए और जो मैंने वहाँ पे सब चीज़ें समझी, मैं वो दिन गया और ये दिन आया, मैंने पीछे अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। फिर मेरे साथ बहुत कुछ होता था, जिस दिन मैं ट्रेन में बैठा था उस दिन भी हमारे फैक्ट्री में LPG की पाइप को आग लग गई थी, आग लगते हुए पूरी आग चलते हुए पूरी सिलेंडर की तरफ बढ़ रही थी, सारे वर्कर्स वगैरह बाहर निकल गए थे। और फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया जब मैं करोथा आश्रम में था कि वो आग एकदम सिलेंडर के पास जाके अपने आप बुझ गई। मैंने सदगुरु के शरण में दंडवत मार के कहा, गुरु जी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत मुसीबत है, मैं बहुत दुखी आ रहा था उस समय, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। परमात्मा ने सिर पे हाथ रख के बोला, बेटा ये आखिरी था, इसके बाद कुछ नहीं होगा, अभी ये आखिरी था बेटा। और मैं आज बताता हूँ वो 2002 और आज मुझे कुछ कोई हमारे यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, इतना शांत वातावरण कर दिया है आसपास में। क्योंकि ये जब तक हमारे वातावरण शांत नहीं होगा, हम भक्ति क्या करेंगे, हम क्या परमात्मा को पहचानेंगे। हमारे आसपास में आग लगी हो और हम क्या भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा ने पूरा शांत कर दिया और पूरी भक्ति करवाई। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा दुख जो मेरे लिए वरदान बन गया, तो परमात्मा कहते हैं कि उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम हृदय से जाए, और ऐसे दुख के मैं बलियारी जाऊं जो पल पल नाम रटाए। उस नाम मेरे लिए वरदान बन गया। मुझे यहाँ पर आके पता चला कि वो मुझे दुख ही था जो मेरा यहाँ पे वरदान बन के और मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया। ये भक्ति जो है ये मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होता है कि हम ऐसे जीवित में ऐसी भक्ति करते हैं। और ऐसे पर हम तो सोचते थे कोई ऋषि मुनि लोग ही ये सब पा सकते हैं, हम तो एक मनुष्य हैं बस, हमारा तो ऐसा ही गुरुद्वारे में जाना, मंदिरों में जाना, माथा टेकना और ऐसा ही जीवन निकल जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद
आपको क्या क्या लाभ मिला? बहुत लाभ हुआ है, जैसे एक तो मैंने आपको अपनी आर्थिक स्थिति का बताया, फिर आर्थिक स्थिति में मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे जिसको लोग चमत्कार बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन इंसान पे जब दुख होता है ना, उसको समझ में आता है कि वो कष्ट कैसे निकला जाए। अभी हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं, 2010 में एक बार ऐसा हो गया कि हमने कुछ 28 गाड़ियों के ऑर्डर्स लिए थे, करीब करीब 3-4 करोड़ का वो माल था पूरी गाड़ियों का, और गाड़ियाँ बनी और हमने टाटा मोटर्स के पार्किंग में भिजवा दी। उसके बाद में कस्टमर का हमें फ़ोन आया कि गाड़ी आपने 15 फीट 4 इंच बना दी है, जो कि आपने 15 फीट बनानी थी। मेरे पैरों नीचे जमीन निकल गई, मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला नहीं, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, हमने टेप लगाया हुआ है, हम देख रहे हैं यहाँ पर। मैं बोला ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम को भेजता हूँ वहाँ पर, वो आके चेक कर लेंगे पूरी, हम देखते हैं कहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने सतगुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से एक उनके बारे में सुना था, उन्होंने बताया था कि उनके घर में उन्होंने जो उनकी खिड़की के ऊपर में एक जाली लगाई थी, तो वो जाली कम थी और बाद में वो जाली बढ़ गई थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे मालिक, अगर आप जाली बढ़ा सकते हो तो मेरी गाड़ी भी 4 इंच छोटी कर दो, मालिक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं यही प्रार्थना करते करते अपने घर से निकला था और फैक्ट्री जा रहा था, और यही प्रार्थना करते जा रहा था। और जब मेरी पूरी टीम वहाँ पे पहुँची, उन्होंने जब जाके गाड़ियाँ चेक की, तो मुझे फ़ोन आया कि सर नहीं, बिल्कुल गाड़ियाँ जो हैं 15 फीट ही हैं, कोई उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है। ये चीज़ मतलब बताना, किसी को बताएं तो कोई विश्वास ना करे, लेकिन मेरी आत्मा जानती है क्यों मालिक ने गाड़ियाँ छोटी कर दी थी। जो 15 फीट 4 इंच बनी थी वो मालिक ने 15 फीट कर दी। ये तो मतलब परमात्मा के लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि जो मालिक हमें ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ही जब मैं दुखी था तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखित दिन वो था जिस दिन मुझे अपने बच्चों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। आप यकीन नहीं कर सकते, परमात्मा ने मुझे कहाँ से कहाँ निकाल दिया, मुझे परमात्मा ने उस समय इतनी मदद की कि मेरे बच्चों ने अपने जो छोटे छोटे बच्चे अपने पिकी बैंक्स बनाते हैं उसमें पैसे रखते हैं, तो वहाँ उनकी दादी उनको पैसे दिया करती थी, वो जमा करते थे। एक दिन मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं आज क्या करूँ, तो दोनों बेटे छोटे छोटे थे, 8-10 साल का था उस समय, दोनों अपना पिगी बैंक ले आए, मुझे बोलते पापा आप इसमें से हमारी फीस भर दो। मैं क्या बताऊं, मैं क्या किस हालत में था उस समय, लेकिन इस मालिक ने इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है कि मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब किस किस लोगों के सामने मैंने क्या क्या नहीं किया उस समय, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया इस परमात्मा के सिवा। मैंने कुछ लोगों को पेमेंट देनी थी, ये मालिक ने मुझे कैसे मदद की मैं आपको बताता हूँ। मुझे 78,000 रुपीस देने थे तो मैं दे नहीं पा रहा था, बहुत लोगों का और भी कर्जा था, लेकिन वो कुछ लोग शैतान थे, गड़बड़िया थे, कुछ लोगों को ले आए मेरे सामने, बोलने लगे पेमेंट हमें आज के आज ही चाहिए। मैं बोला पेमेंट है नहीं मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको कुछ समय, मैं आदमी ख़राब नहीं, मेरा समय ख़राब है आज। तो बोलने लगे नहीं, आप 78,000 का चेक बना के दीजिए, हम लेके जाएंगे, कैसे भी आपको पास कराना पड़ेगा। ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे कहा, मैंने बना के दे दिया। मैंने बोला पास तो होगा नहीं, आप देख लो ले जाओ। बोलते देख लेंगे हम, पास नहीं होगा तो। मैंने बस मालिक के आगे प्रार्थना रखी, और वो एक दिन निकला, दो दिन निकला, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, ना तो कोई आया ना कुछ। 6 महीने के बाद में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लेटर आया, उन्होंने लिखा कि बुना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 80,000 का चेक आपके अकाउंट में डल गया था, और जिसके कारण आपके अकाउंट से 78,000 रुपीज़ का एक चेक क्लियर होकर चले गया। अभी आप बताइए, ये परमात्मा नहीं है तो क्या है ये? परमात्मा ने मेरी उस समय मतलब इतने खतरनाक लोगों से भी मेरी रक्षा की, और
मेरी इज्जत रखी, सब किया, ये सब खेल वो करता है, लेकिन दुनिया को बताओ तो दुनिया मानती नहीं है, समझती नहीं है। फिर ऐसे ही करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पूरा घर फैक्ट्री पूरा बैंक के पास थी, पूरा उन्होंने केस कर रखा था कोर्ट में, पूरे चीज़ें को उन्होंने पूरा लीलाओं तक ये चल रहा था, लेकिन बस ये परमात्मा का खेल था कि परमात्मा ने जैसे ही शरण में आया हूँ, शरण में आते ही परमात्मा ने पूरा कुछ भी कर सकते हैं मालिक, मालिक ने जब मैं शरण में आया हूँ उसके बाद में इतना मार्केट में काम दिलवा दिया कि हमें कहीं बाहर जाके काम कर लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोग आके कहते थे हमारी गाड़ी बना दो, हमारी गाड़ी बना दो, और इतना काम आया जिसके कारण हमने बैंक से बात की, बैंक से बात करके उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे करके आपको देंगे, बैंक वाले भी मान गए, और धीरे 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 करते हुए हर एक चीज़ ठीक हो गई। आज परमात्मा ने बहुत ही सुख दिए हैं, और अब मैं मतलब माइनस से भी नीचे था वो, वहाँ से मुझे आज यहाँ परमात्मा ने अपने चरण कमलों में रखा हुआ है, मतलब इतना सुख दिया है कि मैं आपको, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि जिससे मैं आपको उस डिस्क्राइब करके बता सकूं। जितेंद्र जी, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी आप देखिए, मेरे जैसा आदमी जो कभी किसी को दुख नहीं देता था, नॉन वेज नहीं खाता था, ड्रिंक्स नहीं पीता था, और सुबह शाम हमारे घर में संतों का आना जाना रहता था, और गुरुद्वारे जाना था, मंदिर जाता था, सब करता था, मेरे साथ क्या हो गया? तो ये क्या है, यहाँ पे बस यही है कि हम अपने सब कर्मों के ऊपर चल रहे हैं, हमारे जितने पुण्य होंगे उतने हमको बस अच्छा उस समय मौज होगी, छाया रहेगी, जैसे हमारे पाप कर्म स्टार्ट हो जाएंगे हमें धूप मिलेगी, हमें सेक मिलेगा, इतनी हीट मिलेगी आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। तो हमें आज जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ में हर ग्रंथ को बता रहे हैं, हर शास्त्रों को बता रहे हैं, हमें किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना करना है कि आज जो वो टीवी चैनल्स पे बता रहे हैं, जो उनके सीडीज़ बनी हुई आप वो देख सकते हो, उनकी किताबें वो देख सकते हैं, हमें किसी को मत पूछिए, आप हमारा भी मत सुनिए ना, लेकिन इतनी विनती है कि आप ये सिर्फ अपना थोड़ा सा समय निकाल के और इस चीज़ पे गौर करिए, और फिर 110% आपको बताते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं मिलेगी आपको, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, और आपको आप परमात्मा पा सकते हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इतना गारंटेड मार्ग है ये। जितेंद्र जी, आप भी आप बता रहे थे कि आप सतनाम वाहेगुरु जी का जाप करते थे, तो ये सतनाम वाहेगुरु जी क्या है? सतनाम वाहेगुरु जी मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में इसका मतलब समझा कि मैंने कितना जाप किया उसका, और उसका असली में मतलब ये है कि जब ही गुरु नानक देव जी को जब कबीर साहिब जी सचखंड लेके गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद में गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि मुझे यहीं रहने दो, मुझे वापस मत भेजो उस काल के लोग में, तो कबीर साहिब जी ने बोला था नहीं, आपको हम विधि बताएंगे, आपको विधि बताना है, मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा, गुरु रूप में मिलूँगा, आपको सतनाम दूँगा, फिर आपको फिर मोक्ष प्राप्त होगा और आप आ सकते हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने जब वहाँ से आए थे वापस, और उन्होंने उदासी स्टार्ट की थी, पहली उदासी जैसे उनकी काशी की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि वही गुरु मिले और मुझे सतनाम दे, सतनाम वाहिगुरु, मतलब वही गुरु मिले मुझे और वही सतनाम दे मुझे जिससे कि मेरा मोक्ष हो। असली में इसका मतलब ये कोई नाम वगैरह नहीं है, ये गुरु नानक देव जी से मुख से निकले हुए ये शब्द हैं जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे उसके द्वारा, ये कोई नाम जपने का नहीं है,
ये वो गुरु को ढूंढ रहे थे, उस सच्चे गुरु को ढूंढ रहे थे जिससे कि उनको सतनाम प्राप्त हो सके। तो क्या आपका मानना है कि कबीर परमात्मा ने, गुरु नानक जी जो थे उनके पूज्य गुरुदेव कबीर परमात्मा ही थे? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनको बई नदी के ऊपर आके मिले हैं, आज हर सिख जानता है बई नदी की साखी क्या थी, सब जानते हैं। बई नदी के ऊपर आके जिंदा रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे, और इसी रूप में कबीर साहब जी हर संतों को मिले हैं, जिनको भी उस समय वो गरीबदास जी को लेके गए या धर्मदास जी को लेके गए, जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं, और गुरु नानक देव जी को भी उसी रूप में वो मिले थे, और उसी रूप में उन्होंने उनके साथ ने वार्तालाप की थी, और ये साक्षात मतलब चीज़ें लिखित में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर फिर डाउट करने जाएं तो फिर बहुत सारी बातें मनमुखी करें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली तो जब तक हम नहीं देखेंगे तो कोई भी मानेगा नहीं, इसलिए ये ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं, लिखित में हैं, सब चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, और देख के भी अगर कोई अनजान पुना करे तो फिर तो वो परमात्मा पाना ही नहीं चाहता, वो लोगों को भटकाना चाहता है। और मैंने एक चीज़ और देखी है इस जीवन में कि जो खास करके हमारे धर्म के सारे धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ा हुआ है समाज का, क्योंकि ये अपनी ही उल्लू सीधा करने के लिए भगत समाज को भेका देते हैं, उनको गलत रास्ते पे लगा देते हैं, बस उनको ये बोल देंगे नहीं ये ऐसा ही बता रहे हैं, वो वैसा ही बता रहे हैं। असलियत में जो भी भक्ति करना चाहता है, जो परमात्मा पाना चाहता है, आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हमको कोई भेका नहीं सकता, आज हम अपने आँखों से देखें ना, हम समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, हमको ज़रूरत नहीं इतने मोटे मोटे ग्रंथ खोल के पढ़ना। आप संत रामपाल जी महाराज की सत्संग आता है वो सुनिएगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर सुनिएगा, और फिर देखिएगा आप हर एक चीज़, हर ग्रंथ उन्होंने सामने रखा हुआ है, हम देख सकते हैं ना, और देख के भी अनदेखा करें तो फिर हम भक्ति नहीं करना चाहते। इसके लिए अगर हम थोड़ी सी इतनी हमारी सिर्फ हर पूरे भगत समाज के आगे प्रार्थना है कि थोड़ी सी अपना समय निकालें और इस ज्ञान को सुने, खुद समझें, किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई भी किसी से समझने की, ये ज्ञान अपने आप समझ में आ जाता है। अगर हम कोशिश करेंगे, हम परमात्मा पाना चाहते हैं तो हम इस सत्संग को, सदगुरु जी के सत्संग को सुन के और उनकी किताब पढ़ के हर हालत में 100% इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो सभी चीज़ें देख के, हम आज पढ़े लिखे हैं, हम देख के समझ सकते हैं ना कि हु इज़ गॉड, कबीर इज़ गॉड, नो डाउट, कोई भी डाउट रहता है नहीं, एक परसेंट भी डाउट नहीं रहता मन के अंदर में कि कबीर इज़ नॉट गॉड, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी शंका आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ हैं और हम ग्रंथों को देख के समझ सकते हैं उसको। तो इसके लिए अगर हम परमात्मा पाना चाहते हैं तो अगर हम अपने ग्रंथों को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो हमें हर हालत में ये यकीन हो जाएगा कि कबीर इज गॉड। क्या आप मानते हैं कि जो भक्ति आज आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपको दे रहे हैं, क्या वही भक्ति गुरु नानक देव जी ने भी की थी? बिल्कुल बिल्कुल 100% वही भक्ति की थी, क्योंकि जब पूरा ये प्रकरण हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही ग्रंथों से निकाल के सामने रख दिया है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना। और वो जो दो अक्षर का नाम है सतनाम जो है, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें गुरु नानक देव जी की जो प्राण संगली है उसके अंदर में भी लिखित में बता दिया, जब बाला और मर्दाना के साथ वो लंका देखने की हट कर रहे थे और उनको दिखाने के लिए लेके जा रहे थे, उस समय भी उन्होंने वही नाम जपा था, उसके बारे में भी पूरा बताया गया है, लिखित में है, सामने है। इसके लिए गुरु नानक देव जी ने जो भक्ति की थी आज 100% हम वही कर रहे हैं, और गुरु नानक देव जी का अगर मोक्ष हुआ है तो 100% हमारा भी होगा। जितेंद्र जी, और कुछ आप भक्त समाज को या अपने भाई बहनों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत छोटा सा जीवन है। हम ज्ञान से ये समझ में आया है कि जब सतयुग था तो 1,00,000 वर्ष मनुष्य का जीवन होता था, और आज
100 भी नहीं रहा है अभी तो, और अगर इतना सा छोटा सा जीवन है और इतने से छोटे से जीवन में अगर हम हमें परमात्मा मिल जाए तो मतलब इससे बढ़कर चीज़ कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हमने भी सुना है और हमारे बाप दादाओं ने भी बताया है कि कई ऋषि मुनि कई तप कर करके अपना शरीर गला गए, कई उन्हें क्या क्या नहीं किया और परमात्मा नहीं पाया। ये गोल्डन अभी युग चल रहा है जिसमें कि परमात्मा ने बहुत दया की है हम सभी आत्माओं पे, सब बच्चों पे, तो हमें ये इसका पूर्णता से लाभ उठाना चाहिए। ये वक्त बार बार नहीं आता है जबकि तत्वदर्शी संत और ये हमें मनुष्य जीवन और ये सब चीज़ें एक ही साथ हो जाना, ये कोई लॉजिक नहीं है लेकिन ये हकीकत है कि ये एक ही बार ऐसे बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है और इसका पूरे भगत समाज को लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो इस सिस्टम में होती है और ये अभी चल रही है, क्योंकि वो भी लिखित में है, जो पिछली पीढ़ी की में होना है वो भी लिखित में है और वो हो रहा है अभी कि पिछली पीढ़ी में ही सब अभी तरेंगे। परमात्मा में पूरा लिखित में बताया हुआ है, जैसे 5555 जब कलयुग बीत जाए तब कोई महापुरुष तारण को आए, तो ये जो 5555 है वो भी प्रूफ करके बता दिया सदगुरु जी ने कि 1997 में वो टाइम पूरा हुआ है और तब से ये ज्ञान एकदम से ऊपर बढ़ा है और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये सभी भक्तों सभी भगत समाज पे बहुत इस मालिक ने दया की है कि सभी को ये नाम उपदेश भी दे रहे हैं, जो कि मतलब आप यकीन करें कि बड़े बड़े ऋषि होके चले गए जिनको ये नाम प्राप्त नहीं हुआ था। ऋषियों को तो छोड़ो, अभी ये अगर मीडिया के सामने मैं ये बोलूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये नाम नहीं है तो बड़ा अचंभा लगेगा आपको, लेकिन ये हकीकत है। हम ज्ञान समझेंगे तो ये समझ में आ जाती है बात। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे ही देवी देवता हैं, लेकिन वो क्या स्थिति में सब चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। तो ज्ञान समझ के हम हर एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये नाम मिलने में और परमात्मा पाने में कितना मतलब कितना आसान है अगर हम उस चीज़ को समझ के करेंगे। तो जितेंद्र जी, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान के सभी धर्मगुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छी बात है अगर यही हमारे सभी धर्मों के जो ये ऊपर में बैठे हुए हैं अगर ये सच को सामने ले आए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कुछ भी समय नहीं लगेगा परमात्मा को हम सबको यहाँ से सतलोक लेके जाने के लिए। सिर्फ यही कुछ लोग हैं जो कि मतलब ये बिल्कुल अपना मैं तो कहूँगा कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने ये हट बना के रखा हुआ है, जो कि भगत समाज के सामने ये सच्चाई को आना नहीं देने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत ज्ञान दे चुके हैं, ये इनके ज्ञान रिकॉर्ड हो चुके हैं शास्त्रों में, इनकी जो किताबें हैं उसमें बिल्कुल शास्त्रों के उलट ज्ञान है इनका, तो इसलिए अभी ये फंस चुके हैं और ये ज्ञान को इसके लिए आगे आने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हर आदमी के पास में क्या हुआ कि भक्ति करने के लिए समय नहीं है तो सत्संग नहीं देखते हैं कि कोई ग्रंथ को पढ़ते नहीं है, बस जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं कहीं घंटी बजा दी, कहीं अगरबत्ती लगा दी, कहीं कुछ कर लिया, वो कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालें और इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें तो ये जितने भी संत बैठे हैं आज अपने आप को संत कहते हैं, इनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और सच्चाई उस परमात्मा की सबके दिल में उतर जाएगी और हम सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुने भक्त जितेंद्र दास आलूवालिया जी के मुख कमल से परमात्मा से प्राप्त वो लाभ, वो फायदा जो इसको इनको कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ था। बहुत सी साधनाएं भी ये करते थे और इसके साथ साथ जो मोक्ष मार्ग इनको प्राप्त हुआ उसकी तो कोई महिमा ही वर्णन नहीं की जा सकती। और ये इसको इनको भी इस बात का एहसास है कि
ये कह रहे हैं कि मैं आया तो था अपने केवल भौतिक लाभ के लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक अनमोल वस्तु और मिल गई जिससे मोक्ष भी होगा। दर्शकों तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है, अथर्वावेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने के वजह से, वक्त की कमी होने के वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले दो का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्वावेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है नर, नर मानी आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे, और हम जानते हैं तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा, क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कई जगह पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी नरशंसा जैसे। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले है। पुण्यात्मा डॉक्टर जाकिर नायक जी ने सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर अपनी अज्ञानता से कुछ भ्रांतियाँ फैलाई हैं, उनके समाधान के लिए सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक जी ने तो अभी तक सदग्रंथों की केवल जिल्द दिखाई है और दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का वर्णन वेदों के अंदर भी है, और किस बात से वो सिद्ध करना चाहते हैं कि वेदों में नरसंसा शब्द है, उसका अर्थ होता है प्रशंसित व्यक्ति। तो केवल एक नरसंसा से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि हजरत मोहम्मद जी के ही विषय में ये जानकारी है। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि अथर्ववेद
कांड 20 सूक्त 127 के मंत्र 1-2 में भी कहा है कि वो व्यक्ति आएगा ऊंटों पर चढ़ के आएगा। तो हजरत मोहम्मद जी ऊंटों पर ही चला करते थे। अब आपको दिखाते हैं अथर्ववेद में तो ये लिखा है, अथर्ववेद कांड नंबर 20 अनुवाक नंबर 127 के मंत्र 1-2 में लिखा है कि वो व्यक्ति रथ में चलेगा, उन रथों को ऊंट और ऊंटनियां खींचेंगी। तो रेगिस्तान के अंदर जहां हजरत मोहम्मद जी रहा करते थे वहां रथ नहीं चलते थे। इससे सिद्ध है कि ये प्रकरण हजरत मोहम्मद जी के विषय में नहीं है। देखिएगा, ये देखिएगा अथर्ववेद विषम कांड, विषम माने बीसवां, और सूक्त 127 इसका मंत्र नंबर 1 है। ये देखिएगा, हे मनुष्यो यह है आदर से सुनो, नरसंस है मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जाएगा। हे पृथ्वी पर रमण करने वाले राजन, 60,000 और 90 और अनेक दानों को इंसकों के फेंकने वाले वीरों के बीच हम पाते। इसका अर्थ ये है। अब ये दिखाते हैं दूसरा, इसमें क्या अर्थ किया है। इसका अर्थ इन्होंने किया ये है कि जिस राजा के रथ को ले चलने वाले शीघ्रगामी जुते हुए ऊंटनियों सहित, ये रथ के विषय में है, रथ के विषय में ऊंटनियों सहित 2 बार 10 यानी 10-10-20 ऊंट उन्मत्त मनुष्य के ऊंचे पद का अपमान करते हैं। बताओ इसका कोई अर्थ हुआ। ऊंटों पर चढ़कर चलने वाली तो बात है कोई नहीं, और मोहम्मद जी का कितना नामो निशान नहीं है इस पूरे मूल मूल पाठ में भी मोहम्मद नाम नहीं है, आप देख सकते हैं आराम से। इसी प्रकार इसमें भी कोई मोहम्मद नाम नहीं है। एक नरसंसा कहने से मोहम्मद साहब सिद्ध नहीं हो जाते। इसी तरह इन्होंने अन्य वेदों के प्रमाण झूठे यूजलेस अपने प्रमाण में लिए हैं, जो कहीं पर भी हजरत मोहम्मद जी के विषय में प्रमाणित नहीं होते। पुणात्मा वैसे वेद कोई भविष्य ज्योतिष की पुस्तक नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसमें कोई भविष्य की वाणी नहीं है, इसमें तो अध्यात्म मार्ग है, परमात्मा की भक्ति की जानकारी है। परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या लीला करता है, और कुछ एक जानकारी ऐसी है कि एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कौन कौन सी विधि अपनानी चाहिए, इतनी सी बात है। और रही बात श्रीमद् भागवत के अंदर, ये कथाएं हैं, इसमें तो हजरत मोहम्मद जी का कितना नामो निशान नहीं है। केवल हजरत मोहम्मद जी का जिक्र आता है भविष्य पुराण के अंदर, कलयुग के अंत जो प्रकरण चलता है कलयुग का उसमें आता है, उसके विषय में आपको जानकारी दी है और आगे भी हम देंगे। तो कहने का भाव ये है कि भविष्य पुराण का अर्थ तो होता ही भविष्य की जानकारी, उसका नाम ही नाम से ही सिद्ध है कि वो भविष्य का ज्ञान कराता है। हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा। और मैंने एक तकरीर की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में, वो कसट अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया, मैं पूरी बात नहीं किया, तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन और तफसील से बात किया, वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से, और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में, वो है कल की अवतार के बारे में।
कल्कि अवतार का जिक्र है भागवत पुराना में, खंड 12 अध्याय 2 श्लोक 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु यक्ष के घर में पैदा होगा, जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सदर सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे, उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा, और उसके हाथ में होगा सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराना में खंड 1 अध्याय 3 श्लोक 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, उस वक्त विष्णु यक्ष के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराना में भी है, पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है कल्कि पैदा होगा विष्णु यक्ष के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है ये पैदा होगा विष्णु यक्ष के घर में सुमति की पेट में। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है ये कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल्कि अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल्कि अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु यक्ष। विष्णु यक्ष के मानी है खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल्कि अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल्कि अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीयीन व काना अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म लगता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल्कि अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल्कि शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते
اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک. مدینہ مکہ کے شمال میں ہے, اور پھر سے واپس آ گئے مکہ. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے اوتار کو 8 گن دیے جائیں گے, اسپیشل کوالٹیز. نمبر 1 وزڈم, حکمت. نمبر 2 سیلف کنٹرول, جس کے معنی پرہیزگاری. تیسرا نمبر ریسپیکٹڈ لینیج, اچھا خاندان. نمبر 4 ریویل نالج, وحی. نمبر 5 ویلر, طاقت. نمبر 6 میجرڈ سپیچ, اچھا بولنا. نمبر 7 اٹموسٹ گریٹفلنس, اور نمبر 8 اٹموسٹ چیریٹی, خیرات کرنا. اور یہ سارے 8 گن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. آگے اس بھوشیہ وانی کل کے اوتار میں لکھا ہے کہ یہ کل کے اوتار رحمت بنا کے بھیجا جائے گا سارے انسانیت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الانبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے اوتار کو ایک گھوڑا دیا جائے گا, سفید گھوڑا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برق دیا گیا تھا, برق, جس کے ذریعے وہ معراج کیے الحمدللہ. آگے لکھا ہے کہ وہ گھوڑا چلائیں گے تلوار کو سیدھے ہاتھ میں لے کے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگ لڑی, اکثر سیلف ڈیفنس میں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور الحمدللہ خود انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور کئی بار گھوڑا چلایا سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ کل کے اوتار لوگوں کو اندھکار سے روشنی میں لے آئے گا. اور ہم جانتے ہیں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب زمین میں پیدا ہوئے اسے کہتے تھے یوم الجاہلیہ, اس دور کو کہتے تھے یوم الجاہلیہ, the days of ignorance. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے الحمدللہ ان عربوں کو اندھکار سے روشنی تک لے گئے. آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کل کے اوتار کے 4 دوست ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے. ہم جانتے یہ 4 دوست الحمدللہ 4 خلفاء راشدین ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آخری پوائنٹ کہ جنگ کے میدان میں دیوتا ان کی مدد کریں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں نے کی جنگ کے میدان میں, جس کا ذکر ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 سے 125 تک, اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 اور 9 میں. یہ تھا مختصراً سے کل کے اوتار کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہندو دھرم کی کتابوں میں. اب ان کی ایک انیہ اور جھوٹ سدھ کرتے ہیں اپنے آتماؤں. ڈاکٹر ذاکر نائک جی نے کہا ہے کہ حضرت محمد جی ہی کلکی نامک اوتار تھے, اور اس کا پرمان انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پرمان کلکی نامک اوتار ہونے کا پرمان سری مد بھاگوت کے اندر ہے. اب سری مد بھاگوت کے اندر اس کلکی نامک اوتار کا ذکر کہاں ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جی کہتے ہیں کہ سری مد بھاگوت ارتھات سری مد بھاگوت سدھا ساگر کے اندر حضرت محمد جی کے وشے میں لکھا ہے کہ وہ کلکی اوتار روپ میں اوترت ہوں گے, اور ان کا نام بھی سارا کچھ ملانے کی چیشٹا کی ہے. کلکی اوتار کب اتپن ہوں گے اس کے وشے میں ڈاکٹر ذاکر نائک جی بالکل نہیں جانتے, اور نہ ہی انہوں نے کسی گرنتھ کسی پستک کو پڑھا. اس کو کوئی پستک ہاتھ لگی, کسی پہلے مسلمان نے اپنے
ऐसी अज्ञान को आधार बना के उसके अंदर ये मंत्र कोड कर रखे हैं, ये अध्याय और पुस्तक लिखी हुई है। जिस समय ये कलयुग का वर्णन चल रहा है, ये देखिएगा द्वादश स्कंद और 935 पृष्ठ पे, ये है श्री मद भागवत। हम यहाँ आ जाते हैं नीचे, दूसरा अध्याय कलयुग का धर्म। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और श्रमण शक्ति लोप हो जाएगी, यानी लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा। अब यहां दिखाते हैं, अब हम आगे 936 पृष्ठ पे, कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, जिस समय कल्कि नामक अवतार अवतरित होंगे उस समय कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। अपने आत्माओं, जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय 20 और 30 वर्ष आयु नहीं थी, 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी। तो ये आज से लगभग सन 2013 से लगभग लाखों वर्ष बाद कल्कि नामक अवतार आवेंगे, और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक के हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे। आगे देखो यहाँ क्या बताया, उस कलयुग के अंदर जिस समय कल्कि नामक अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। सूक्ष्म वेद में भी यही बताया है परमात्मा ने कि जिस समय कल्कि अवतार आएगा, कलयुग का एंड होने को होगा, उस समय मनुष्यों की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी, 5 वर्ष उसमें से खंड होंगे, यानी 15 वर्ष की आयु में वो जन्म भी लेंगे, संतान उत्पत्ति भी कर लेंगे और मृत्यु भी हो लेगी, और 5 वर्ष की लड़की का बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे। और बकरियां गायें जो है आजकल की बकरियों के तुल्य हो जाएंगी, इतनी कद की रह जाएंगी, और मनुष्य 2.5-3 फुट के मैक्सिमम हो जाएंगे, मकान नहीं रहेंगे, बेल खोद कर रहा करेंगे खड्डों में, वर्षा नहीं होया करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे, भूकंप आया करेंगे, झाड़ झंखाड़ चला करेंगे, और लोग सभी मांसाहारी हो जाएंगे। सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है, और ये जो श्रीमद् भागवत आपको पढ़कर दास सुना ही रहा, देखिए गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। तो पुण्यात्मा डॉक्टर जाकिर नायक एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। बताओ, और हजरत मोहम्मद जी का जन्म तो आज से 1400 वर्ष पहले हुआ था, जब तो गायें और तगड़ी तगड़ी होती थी। तो कोरी झूठ बोल रहा है, और ये जो प्रमाण में ले रहा है कि हजरत मोहम्मद जी का जिक्र श्री मद भागवत के अंदर कल्कि नामक अवतार रूप में है, ये कोरी झूठ है इसकी। और देखो आगे परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह बन जाएगा, यानी कलयुग के अंत की बात है ये। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतारण धारण करेंगे। पुण्यात्माओं, सूक्ष्म वेद में एक निष्कर्ष है, कंप्लीट गॉड गिवन है, उसमें लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र जी वर्तमान के अंदर, वो स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही कल्कि नामक अवतार धारका आवेंगे श्री विष्णु जी की आज्ञा से। वो विष्णु लोक में विराजमान हैं, अपने पुनों को वहाँ प्रयोग कर रहे हैं,
राजा हरिश्चंद्र ही दसवां अवतार यानी कल्कि अवतार बनकर अवतरित होगा जब कलयुग का अंत होगा। ये तो सुख संवेद में, और ये श्रीमद् भागवत भी ये स्पष्ट कर रही है कि जब कलयुग का अंत होगा लोगों का स्वभाव बहुत खराब हो जाएगा, राजा लोग भी अन्यायी हो जाएंगे, कद छोटे छोटे हो जाएंगे, जब गौओं का कद बकरियों के समान हो जाएगा तो मनुष्यों का कद भी इतना इसी तरह इसी रेशों में कम हो जाएगा, और 20 वर्ष की आयु होगी, 5 उसमें से खंडित समझो, 15 वर्ष की आयु मनुष्य जन्म और मर लिया करेंगे। उस समय कल्कि अवतार होगा। हजरत मोहम्मद जी तो 1400 वर्ष पहले, लगभग 1400 वर्ष पहले आए थे, आज सन 2013 से। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी कोरी झूठ बोल रहा है, इसको ये केवल बरगला रहा है, जनता को भ्रमित कर रहा है। और देखें प्रिय प्रकाशित, ये हमने पढ़ लिया, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे सर्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सदगुरु हैं, वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्मों का बंधन काटने एवं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संभल ग्राम में, ये कलयुग के अंत में कल्कि नामक अवतार जो अवतरित होगा, अभी वो होना शेष है, वो कहाँ होगा, एक विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगरी में। ये देखिए, उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा, उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगरा का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी, और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे, और उनकी संतान पहले की भांति हर्षपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं, वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा, और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतगुण के युक्त हो जाएगी। अपने आत्माओं, अब ये तो आपने पढ़ा अपनी आंखों से कि श्री सुधा सागर यानी श्री मद भागवत के अंदर कल्कि अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा, मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी, और गौओं की हाइट कद साइज बकरियों जैसा हो जाएगा, लोग बड़े राक्षस स्वभाव के हो जाएंगे, राजा भी डाकू बन जाएंगे, और उसमें वो कल्कि अवतार अवतरित होगा विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगर में होगा, अभी आगे होने वाला है, और जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय तो 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी व्यक्ति मनुष्यों की, और गव्यें बड़ी तगड़ी तगड़ी होती थी। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, सत्य का आधार नहीं रखते। अब ये तो आपने पढ़ा वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत में कल्कि नामक अवतार का और कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का विवरण। अब सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है, राजा हरिश्चंद्र कल्कि नामक के अवतार रूप धारण करके आएंगे विष्णु दत्त शर्मा के घर पर,
संभल नगरी में एज इट इज। उस समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष होगी, 5 उसमें से खंड, और 15 वर्ष की आयु में सभी का जन्म और मृत्यु हो लिया करेगा। एकाध ही 20 वर्ष की आयु पाया करेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आगे क्या बताया है कि 3 आठ अंश खेच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा, 3 हाथ, आज के 3 हाथ यानी 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। उस समय लोग केवल बिल खोद कर रहा करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, न्याय नहीं रहेगा, छोटे छोटे कद होंगे, वृक्षों के फल लगने बंद हो जाएंगे, पत्ते भी नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा। तकरीबन अधिक से अधिक उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे, उस समय जिनमें जरा से भी आस्था भगवान की होगी, वो बचेंगे। बाकी सबको वो कल्कि नामक अवतार राजा हरिश्चंद्र आएगा, भगवान विष्णु की आज्ञा से वो सबको मार डालेगा। उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड़ग होगी, बहुत तगड़ा शरीर होगा, बहुत लंबी तलवार होगी, और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को। उस समय केवल जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे, वही उन्हीं को छोड़ेगा। उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, इतना वातावरण दूषित हो जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, परमात्मा की रजा से बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और जो बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर, और सब पृथ्वी पर 20-20, 30-30, 50-50 फुट पानी भर जाएगा। इस तरह कलयुग का अंत होगा और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा। जमीन का जो अन अपजाऊ अंश है, नीचे जो विष भर गया, जैसे आजकल आप देख रहे हो, एक फसल को परिपक्व करने के लिए 3-3, 4-4 बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है, ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा और इसमें विष भर जाएगा, पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा। तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी, फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी, वो सब विष जो अब डाला जा रहा है, ये खाद वगैरह, ये ऊपर आ जाएगी और वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखेगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से, बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा। फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे और बच्चों की का कद उनसे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा, ओजोन गैस फिर से यथास्थिति में हो जाएगी। इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा और ऐसे वो कल्कि नाम के अवतार का वर्णन है डॉक्टर जाकिर नायक जी ने, जो श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर हजरत मोहम्मद जी को सिद्ध करना चाहा, वो कति कोरी झूठ है। इनका सारा ही जो विवरण है वो केवल जनता को बरगलाने के लिए और केवल असत्य प्रचार का ही उद्देश्य रखते हुए ये अपना प्रचार करते हैं। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। अब हम तस्किरा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तस्वर, अल्लाह का तस्वर, और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है वो है, आपको कहेगा सूरह इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1-4, जहां अल्लाह सुभाना व तआला फरमाते, कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा
कोई नहीं है। ये चार आयतों जो सूरह इखलास की है, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1-4, ये अल्लाह सुभाना व ताला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टच स्टोन है थियोलॉजी का। टच स्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा। आप जब कोई जौहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जौहरी को देते हैं, आप ये सोना जौहरी को देते हैं और वो सोने को टचस्टोन से एक पत्थर से घिसता है और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है, फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है या 20 कैरेट का है या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कहते हैं टच स्टोन। सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नायक जी बार बार कहते हैं कि जिस खुदा की आप भक्ति करते हो उसको जांच लो, वो वास्तव में अल्लाहु अकबर है भी कि नहीं, उसके जांचने के लिए वो पैमाना बताते हैं कुरान मजीद यानी कुरान शरीफ की सूरत इखलास नंबर 112 और आयत नंबर 1-4 में स्पष्ट किया है कि वो ना तो खुद जना है और ना वो कभी मरता है, वो कुल मालिक है। तो ये अल्लाहु अकबर जो काशी में धारणक रूप में आया था, जो लाहौर की भूमिका करता था, इसके ऊपर ये सूरत इखलास 112 की आयत 1-4 पूर्ण रूप से घटती है, खरा उतरता हो परमात्मा जो अल्लाहु अकबर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर स्वयं आता है और काशी के अंदर 120 वर्ष तक रहे और वो पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो परमात्मा अल्लाहु अकबर खुद ही बता कर गए। वो सह शरीर आए थे, वो उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया, उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है, उसको कति ज्ञान नहीं। सह शरीर आए थे, कमल के फूल पर वो विराजमान हुए थे, वहां से एक निसंतान जुलाहा दंपत्ति मुसलमान उनको उठा ले गए थे और धीरे धीरे लीला में तरीके से वो युवा हुए, बड़े हुए और इस परमात्मा की इस महिमा का वर्णन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में कि वो परमात्मा जब आता है एक शिशु रूप धारण करता है और कुंवारी गायों से उनके परवरिश की लीला होती है। तो ये लीला उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर कबीर परमात्मा ने की थी, जब अल्लाहु अकबर लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए थे, तब तक उन्होंने कोई दूध या फल कोई अन्न आहार नहीं किया था। तो तब एक कुंवारी गाय लाई गई थी, उस कुंवारी गाय ने परमात्मा के आशीर्वाद से ही दूध दिया था, उससे अल्लाहु अकबर यानी कबीर भगवान के उस बाल भगवान की परवरिश की लीला हुई थी। तो वेदों में भी प्रमाण है कि वो अल्लाहु, वो कबीर देव है, सह शरीर है, ऊपर के लोकों में रहता है, वहाँ से स्वयं सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है, एक कवि की तरह आचरण करता है और वो पूर्ण परमात्मा होता है, सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। जैसे एक मगर नाम का स्थान है संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले वो बस्ती जिला के अंदर था, वहाँ एक मगर छोटा सा नगर है, उसके अंदर एक बिजली खान नाम के मुसलमान नवाब थे,
वो भी उस अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर यानी जो धरती पाई हुई थी सह शरीर उनके शिष्य थे और काशी शहर के नवाब हिंदू राजा थे वीर देव सिंह बघेल और वो दोनों ही उनके शिष्य थे। उनकी भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर उनके शिष्य हुए थे। अंत में उन्होंने अल्लाहु अकबर ने अल्लाह कबीर ने यानी उस जुलाहा कबीर ने ये फैसला किया था कि मैं मगर के अंदर अपना शरीर छोड़ दूंगा क्योंकि हिंदुओं के जो गुरु थे ब्राह्मण वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति मगर में मरेगा वो गधे की योनि में जाएगा नरक में जाएगा उसको बहुत कष्ट होंगे वहां कोई मत मरियो। काशी में जो मरेगा बनारस में ब्राह्मण कहा करते थे वो सीधा स्वर्ग जाएगा और परमात्मा कहा करते कबीर देव जी अल्लाहु अकबर कि अच्छी सत भक्ति करने वाला व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी मृत्यु को प्राप्त हो वो सीधा अपने उस यथा स्थान पर जाएगा अच्छे स्थान पर जाएगा जिसकी उसने भक्ति कर रखी है और निकम्मे कर्म बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो मगर मरो चाहे काशी वो सीधा नरक में जाएगा। लेकिन ये ब्राह्मण नहीं मानते थे यानी हिंदुओं के धर्मगुरु इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार थे और न ही जनता को स्वीकार करने दे रहे थे। उनके इस भ्रम का निवारण करने के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर धाणक कबीर जुलाहा कबीर ने कहा था कि मैं मगर में प्राण त्यागूंगा और तुम देख लेना आकर के और अपने जंतर मंत्र अपने सारे ज्योतिष लगा लेना कि उस स्थान पर मरने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है। ऐसा ही किया गया। दोनों राजा पहुंच गए उनकी सेना साथ में थी और बहुत से दर्शक वहां पहुंच गए। एक चादर नीचे बिछाई परमात्मा ने एक चादर ऊपर ओढ़ ली और जब देखा कि दोनों तरफ से सेना खड़ी थी परमेश्वर ने पूछा भी बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल तुम दोनों अपनी अपनी सेना क्यों लाए हो। उन्होंने तो नीची गर्दन कर ली क्योंकि उनके गुरुजी थे उद्देश्य अपना बता नहीं पाए। उनका उद्देश्य ये था कि मुसलमान भाई कह रहे थे कि ये हमारा पीर है हम इनका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे। हिंदू कह रहे थे ये हमारे गुरु हैं और हम इनका अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार करेंगे इनको नहीं करने देंगे। दोनों ने ये ठान रखी थी यदि सीधी हाथों बात नहीं बनेगी तो हम युद्ध करके सबको प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे उन्होंने पूछा भाई ये सेना और साथ में हथियारों की क्या आवश्यकता थी मेरे पास आए तुम दोनों बिजली का पठान मुसलमान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा ने नीची गर्दन कर ली नहीं बोले। दूसरे मुसलमान और हिंदू जो मुठड़ से थे बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं होता वो आपस में कहने लगे कि हम आपका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे। हिंदू कहने लगे नहीं करने देंगे आपको हम इस शव को अपने गुरु जी के शरीर को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे तुम्हें नहीं हाथ लगाने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा ने कहा वीर देव सिंह और बिजली खां मैंने यही शिक्षा दी थी आज तक कि तुम इस मिट्टी के ऊपर लड़ मरना खबरदार जब तुमने ऐसी गलती की तुम्हारा तुम देख लेना तुम्हारी खैर नहीं होगी और फिर ऐसे करना मेरे शरीर को वैसे तो इसमें शरीर नहीं मिलेगा तुमने फिर भी एक चादर तुम ले लेना एक मुसलमान एक हिंदू एक चादर नीचे है एक मेरे ऊपर ओढ़ दूंगा मैं और बीच में जो सौ मिला इसको बेसिक दो टुकड़े कर लेना पर बेटा लड़ियो मैं तुम नहीं तो मेरा कलंक लगेगा। दोनों एकदम शांत हो गए लेकिन मन में नहीं था कि गुरु जी ने शरीर छोड़ने दो फिर देखेंगे। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक चादर नीचे बिछाई एक ऊपर उठी कुछ देर में देखा ऊपर आकाश से आकाशवाणी की कि भी देख लो पंडितों मैं जा रहा हूं अपने सतलोक में तुम्हारे स्वर्ग से भी बहुत आगे तुम्हारी जन्नत से भी आगे जा रहा हूं जो अमर लोक है शाश्वत स्थान है जहां कभी मृत्यु नहीं होती और मैं वहीं से आया था। ऊपर देखा परमात्मा ऊपर जा रहे हैं सह शरीर ऊपर जा रहे हैं चादर उठा के देखा तो नीचे सुगंधित फूल मिले जैसे ताजे तोड़ कर लाए हों बगीचों से
हिंदू और मुसलमान आपस में गले मिल गए, रोवे बुरी तरह बालकों की तरह, और कहें हम कितने नीच थे, हम कितने निकम्मे हैं, उनको अंतिम समय भी सुख नहीं दिया, और वो तो अल्लाह थे, अल्लाह अकबर थे, वो तो वो गए फिर वो उजल हो गए। पहले तो खूब रोए सारे आपस में गले मिलकर हिंदू और मुसलमान। पुणात्माओं ये समर्थ है, ये समर्थ परमात्मा, कादर परमात्मा है। यदि उस दिन वो लीला नहीं करते, वैसे तो कहीं से भी जा सकते थे, सह शरीर अचानक जा सकते थे, वो उनको मालूम था ये लड़ मरेंगे बोले बालक और मेरे को कलंक लगेगा। और पहले काफी ज्योतिषों ने यह बताया था कि इस महीने में, माँ के महीने में, और वहां पर ऐसे इस बहुत बड़ी आपत्ति है, एक बहुत भयंकर घटना घटेगी, लेकिन वो परमात्मा ने टाल दीवा घटनी थी। और पुण्यात्माओं महाभारत से भी जबरदस्त युद्ध हो जाता, ग्रह युद्ध छिड़ जाता, हिंदू और मुसलमानों का कटका मर जाते, उस परमात्मा ने वह होनी भी अनहोनी कर दी, टाल दी, और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत नहीं टाल सके, जहाँ 18 करोड़ व्यक्ति कटका मर गए, क्योंकि वो काल के अधीन थे, ये काल के बाप हैं, वो अल्लाह अकबर हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, और इसके ऊपर वो सारी कुरान शरीफ की जो सूरत इखलास है 112 उसकी आयत 1-4 पूरी खरी उतरती है। तो पुण्यात्माओं पहचानो इस अल्लाह अकबर को, उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जो यथार्थ भक्ति, यथार्थ ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। आ जाओ, हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान सबके लिए दरवाजा खुला। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। पुण्यात्माओं परमात्मा की साधना से साधक को विशेष राहत मिलती है, और इसीलिए परमात्मा की भक्ति की जाती है कि हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत के अंदर जो दुख हो उनका निवारण हो, क्योंकि पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं और पुण्य कर्मों के कारण सुख प्राप्त होते हैं। जो हमारे जीवन में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण आते हैं। जो हमारी किस्मत के अंदर पूर्व निर्धारित होते हैं, और सुख जो हमें यहाँ संसारिक सुख प्राप्त होते हैं वो भी हमारी किस्मत में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो पहले ही निर्धारित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं, और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं। और परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रारब्ध के कष्ट हैं, दुख हैं, वो टल जाएं। और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट ज्यों के त्यों अटैक करते हैं, कैर ढा देते हैं, तो वह भक्ति गलत है, वो साधना ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है, और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे, क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है। जैसे पैर में कांटे लगे हों और कांटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं, और भविष्य में जो हमारा पथ है, रास्ता है, उसके कांटे साफ कर दिए जाएं तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते, तो आसानी से सफर तय हो जाता है। तो इसके लिए क्या बताया है कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो, पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो, तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्त आत्मा, उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है। जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पांव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे,
कि वो समर्थ, वो कादिर परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर, वो ग्रेट गॉड, वो कंप्लीट गॉड, वो परमात्मा, जब यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से, तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाएं। तो कहते हैं पतिव्रता, पतिव्रता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर, एक यानी समर्थ उस अल्लाहु अकबर की भक्ति करने वाला अन्य किसी देव में एज ए इष्ट रूप में श्रद्धा ना रखने वाला और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफर पर यात्रा कर रहा होता है, तो वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को काटा ना लग जावे। और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो वो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाहु अकबर मान रखा था, लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52-59 में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाहु अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता, यानी कौन, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर उस बड़े भगवान की, उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता, ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है। उसने तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाहु अकबर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मुझे ज्ञान नहीं। यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर मानकर भक्ति कर रहा है। उसके द्वारा बताई गई ये नमाज, रोजे और बंग जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है। और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाहु अकबर मान का, इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुभानी अनुवादक नसीम गाजी फलाही मकरजी मकतबा
इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81-81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू। प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स D307 दावत नगर अब्बुल फजल इनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली। दूरभाष इतने इतने, फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली मुद्रक। देखिएगा पृष्ठ 64 पे 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की, और जख्म पर जख्म लगते रहे लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी, 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए, बताया कोई भक्ति है। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम मरोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपणे का दुख उठाया, बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। तीनों पुत्र मर गए, आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसुम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, हम यहां से शुरू करते हैं। ये वही जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ प्रसिद्ध पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था, प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1,00,000 से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिजतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहां देखा, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सलल ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहे। फिर यहां बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहां जाते हैं। अब 308 पे पढ़े आप ना, 309 पढ़ रहे हैं, 307 8 पढ़ लिया।
हिजतुल वदा को अभी 3 महीने से ज़्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आँखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहाँ पहुँचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो ए कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हजरत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। चलने फिरने की ताकत न रही। हजरत मोहम्मद जी के 11 पत्नियाँ थीं। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। अब 310 पर पढ़ेंगे। कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। बेसहारा चलना आप सलल के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं। पृष्ठ जीवनी हजरत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप सलल मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईशा का वक्त हुआ और आप सलल ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुसल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हजूर आपका इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला, आपका इंतज़ार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा, अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज़ बहुत धीमी है। कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं। लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे। 312 पर प्यारे नबी सलल उन्हीं से को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सलल ने तकलीफ़ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ यानी कुछ राहत मिली। फिर आप सलल हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया, मुसलमानों
ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा, इंतकाल से एक दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे असरफियां क्या हुई। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हजरत मोहम्मद ने वे असरफियां मंगवाई और हजरत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया, अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई, यह उसके पास ही रखी रह गई, तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहती बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमजोरी भी बहुत ज़्यादा थी। हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर क्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद ब खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्ने का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में यह आवाज आई, 315 पे, नमाज, गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सलल यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिरन न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की, वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है, कबीर, दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोए, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की। और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी
सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं। दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो, ये बिल्कुल सही है और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे, एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां, तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जान के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52-59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तकत पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता, उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाहु अकबर जानकर सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कहर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर के, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता। और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए, उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है, आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहु अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रही है, ये उस अल्लाहु अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को, वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इसे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाहु अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाहु अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है, आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है, आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाहु अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। पुण्यात्माओं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। बोलो सतगुरुदेव की जय।